नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बरकरार रहेगी या निरस्त हो जाएगी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई। ये सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की उम्मीद है। अफजाल अंसारी का सियासी भविष्य इलाहाबाद हाई कोर्ट से जल्द आने वाले फैसले पर ही निर्भर करेगा। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में पिछले साल 29 अप्रैल को 4 साल की सजा मिली। सजायाफ्ता होने की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। अफजाल अंसारी ने 4 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी और ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने इस मामले में अफजाल अंसारी को जमानत तो दे दी थी, लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनकी अपील पर 30 जून तक फैसला देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की वजह से अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई और इस आधार पर वे दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हो रही थी। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के परिवार वालों ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सांसद अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाए जाने की गुहार लगाई। हाई कोर्ट में तीनों मामले की सुनवाई एक साथ हो रही थी। कोर्ट में अफजाल अंसारी की तरफ से दलील पेश की गई थी। उनके खिलाफ गैंगस्टर का केस बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर दर्ज किया गया था। उस केस में वह कई साल पहले बरी हो चुके हैं। दलील दी गई कि अगर वह मूल मुकदमे में बरी हो गए हैं तो उसे आधार बनाकर दर्ज गैंगस्टर का केस भी रद्द होना चाहिए। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। अफजाल अंसारी की तरफ से कोर्ट में उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलीलें पेश की, जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से अधिवक्ता सुदिष्ट कुमार ने पक्ष रखा। अफजाल अंसारी को अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है और उनकी सजा रद्द नहीं होती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो जाएगी। अब जिस प्रकार से अफजाल अंसारी एक बार फिर से असमंजस में पड़ चुके हैं, ऐसे में अब उनके खिलाफ क्या फैसला आएगा ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। किसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।